हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज मेरे पास है ये, जो कि आप जानते हो, इसका नाम है स्टेथोस्कोप। इसको आपने मोस्टली डॉक्टर्स के पास देखा होगा। तो ये मेरे पास एकदम न्यू ब्रांड स्टेथोस्कोप है। और इसके अंदर आता क्या है, इसको फ्रेंड्स हम मोस्टली यूज करते हैं किसी का हार्ट बीट को सुनने के लिए कि इसकी हार्ट बीट है जो आधा अच्छे से धड़क रहा है, नहीं धड़क रहा, किस तरीके से धड़क रहा है। या फिर इसको मोस्टली यूज करते हैं जैसे अपने लंग्स के अंदर कुछ कफ वगैरह जमा हो जाता है, तो उसका वाइब्रेशन के थ्रू इसका पता लगाने के लिए इसको मोस्टली यूज करते हैं। फ्रेंड्स, गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और उस वजह से मेरे देखना एकदम पसीने पसीने हो रहा है पूरा शरीर। तो इसके अंदर आखिर होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसी चीज़ को हम जानेंगे आज। इसकी एक एक पार्ट्स को अलग करेंगे इसके और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से इस नली है, इस नली के अंदर क्या है, इनके अंदर क्या है जो कि कानों के अंदर लगाया जाता है। इसको मोस्टली हमारे शरीर पर लगाया जाता है, आखिर कैसे इससे सुना जाता है, उस चीज़ का हम आज पता लगाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज़ में डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरे पास है, मैं अभी इसका एक एक पार्ट्स अलग कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करता हूँ इस जगह से जो कि हमारी बॉडी पर लगाया जाता है इसको, और इससे ही हार्ट बीट वगैरह सुनी जाती है। तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। तो यार, इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं था, ओनली ये एक पाइप है और इसके साथ ही ये इसके अंदर जुड़ा हुआ था इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अभी इसको तो हम एक साइड में रख देते हैं और इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या है मोस्टली। तो इसके अंदर पीछे ये देख सकते हैं एक रबर सा लगा हुआ है, मैं इस रबर को हटा लेता हूँ। यार फ्रेंड्स, ये रबर काफ़ी ज़्यादा इस अच्छे तरीके से ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको हटाने में मेरे को काफ़ी मुश्किलें करनी पड़ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे तो ये हट नहीं रहा, तो मैं मोस्टली सहारा लेता हूँ पेचकस का और उसकी सहायता से इसको हटाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है एक अच्छा खासा सा बड़ा सा पेचकस, इसकी सहायता से मैं इसके ये पीछे वाले रबर को हटा रहा हूँ और देखता हूँ कि यार आखिरकार इसके अंदर है क्या। लग ना जाए यार मोस्टली हाथों में। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने पेचकस की वजह मदद से इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। वाशर के अंदर मेरे को कुछ खास मिला नहीं, बस इस तरीके का बिल्कुल अलग सा दिख रहा है ये। तो चलिए एक बार इस वाशर को अलग रख देते हैं, इसमें कुछ नहीं, आप देख सकते हैं ओनली एक ये वाशर है। तो इसको अलग रख देता हूँ मैं। अभी मैं एक बार इसको खोल के वो टेस्ट करता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो यार, इसके लिए मुझे पेचकस की ज़रूरत पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे इसके ऊपर पेचकस की एक दो तीन मारी, तो ये देखिए फट चुका है ये पर्दा है, जो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये इस तरीके से फट चुका है। तो चलिए एक बार इसको हटाते हैं। हेलो, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल हट चुका है अलग इस तरीके से। मैंने इसको बिल्कुल, ये काफ़ी हार्ड मटेरियल दोस्तों, ये ज़्यादा हार्ड तो क्या, लेकिन लग रहा था उस तरीके से नहीं है, मजबूत मटेरियल है। इसको पूरा हटा लेता हूँ मैं एक बार। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, एक बार तो मैंने इसको पूरा हटा लिया बिल्कुल ही, इसके अंदर भी कुछ नहीं, कोई खास नहीं मिला मेरे को, ओनली इसके अंदर ये तीन छिद्र हैं जो कि यहाँ से साउंड वगैरह शायद डिटेक्ट हो जाती है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, मैंने खोल के इन दोनों को भी अलग कर लिया है। इसके अंदर ये रिंग टाइप का कुछ निकला है और ये बच गया अब अपने पास। इसको भी मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके तोड़ने की, क्योंकि मेरे पास क्या है यार, वो औजार तो है नहीं जिसे तोड़ा जा सके। यार देख सकते हैं ये बिल्कुल घूम रहा है, इसके अंदर लॉक अनलॉक होता है ये, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको दिख रहा हो तो मैं जैसे इसको इधर घुमाता हूँ इसके अंदर कुछ आ जाता है, और जैसे इधर घुमाता हूँ ये देखिए बिल्कुल होल बन गया, ये बंद हो गया और ये खुल गया। ठीक है, इस तरीके की संरचना इसके अंदर।
तो चलिए दोस्तों एक बार इन दोनों को हम साइड में रख देते हैं, इनको हमने देख लिया कि इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ओनली इसके अंदर ये तीन होल हैं जहाँ से साउंड वगैरह डिटेक्ट होकर जाती है, उस पर्दे पर टकराती है साउंड और फिर पर्दे के थ्रू इस नली से होते फिर इसके अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, तो अभी इसका तो हुआ काम ख़त्म, अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और इसको देखते हैं अभी हमारे पास ये और बचा हुआ है कि आखिर इसके अंदर क्या है। तो ये एक मोस्टली नली है, तो चलिए इसको यहाँ से एक बार खोलने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हाँ, मैं इधर से खोलता हूँ पहले तो इनको जो ईयर ड्रम से। अरे यार कुछ नहीं मिला यार इनके अंदर, ओनली ये जो अपने हेडफोन के अंदर आते हैं ये इस तरीके के हैं और ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये भी इधर इसी तरीके का है जो कि आराम से अलग हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इन दोनों को मैं साइड में रख देता हूँ। तो अभी हमारे पास बची हुई है ये जुगाड़। ठीक है, अभी हम इसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है ये और ये वाला पार्ट दोनों आपस में यहाँ से मिले हुए हैं, बिल्कुल कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको अलग करने की। तो चलिए दोस्तों ऐसे तो अलग हो नहीं रहा, इसको इस जगह से काटते हैं और फिर देखते हैं कि इस जगह पे क्या है। अरे तो फ्रेंड्स मोनली काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने इन दोनों को अलग कर लिया है और ये खाली ओनली कुछ नहीं है, ओनली एक पाइप है, जैसे प्लास्टिक की नली अगर आती है प्लास्टिक का पाइप आता है उस तरीके का पाइप है, दोनों तरफ होल है इसके अंदर, ये देख सकते हैं बस इस तरीके का होल है और ये ओनली एक पाइप है जिसके थ्रू साउंड जाती है और इनके अंदर साउंड आती है। अब इनकी यहाँ से संरचना देखना चाहता हूँ मैं कि इस जगह पे क्या स्ट्रक्चर है जहाँ से ये साउंड इधर दोनों तरफ डिवाइड हो जाती है। तो इसको भी अपना काम फ्री हुआ, इसको रख देता हूँ मैं एक तरफ। अभी हमारे पास बचा हुआ है ये संरचना, ठीक है, जो कि कानों में लगाते हैं। अरे यार नेक बैंड बन गया यार, तो अच्छा खासा ना अच्छा मिल गया यार। हाँ यार तो चलिए इसको तोड़ ही लेते हैं यार, इसको भी देखते हैं कि इसके अंदर आखिर क्या है। तो फाइनली दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने इनके जो ये पार्ट थे ये कानों में लगाने के इनको अलग कर लिया है और आप देख सकते हैं ये वो संरचना है जिसके अंदर यहाँ पे ये जुड़े हुए थे। तो ये भी ओनली कुछ नहीं है, ओनली एक पाइप था और इससे वो बड़ा वाला पाइप था वो यहाँ पर अटैच था। ठीक है, ये इसके अंदर ऐसे लगे हुए थे दोनों इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से लगे हुए थे इसके अंदर, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से इनके अंदर कैसे जुड़े हुए थे। ये ओनली इस तरीके से यहाँ से ऐसे जुड़े हुए थे ये। ठीक है, यहाँ से अटैच थे ये और ये देख सकते हैं इनके अंदर भी ये इस तरीके का होल है जहाँ से साउंड वगैरह यहाँ से डिटेक्ट होकर फिर इनसे सीधा कानों के अंदर जाते थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ये मैंने आपको पूरा खोल के दिखा दिया। मेरे को पूरा खोलने में इतनी दिक्कत नहीं हुई, उससे ज़्यादा मेरे को ओनली इसको खोलने में दिक्कत हो गई। फिर भी आखिरकार ये यहाँ से टूट गया, मेटल का है ये, लोहे का स्टील वगैरह कुछ का है तो यहाँ से ये टूट गया है, वरना इस तरीके से जुड़ा हुआ था ये। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ओनली बस पाइप ही पाइप जिनके थ्रू साउंड इधर से डिटेक्ट हो गए और फिर वो पर्दे के थ्रू हमारे कान तक पहुँचती थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है इसका पूरा जो मैंने खोला है वो मटेरियल और अभी इसको कर देते हैं हम डिस्कार्ड। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ यार।